Hello students. Okay, so today we will start our next topic of the chapter. What is the chapter name? The Earth in the Solar System. So students, we have studied about the celestial bodies. Okay, and we have studied about the sun, about the eight planets, and about the Earth. Okay, and the method by which we have learned, we will learn the planets' name. That one sentence you have to cram it. That was my very efficient mother. Next, yes, आप बताओ मुझे क्या था इसके बाद, याद है? भूल गए. अच्छा चलो सोचो, मैं भी भूल गई, I also forgot. तो बताओ कैसे याद करोगे? नहीं, आपको ऐसे याद करना है फिर से कि मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत अच्छे क्या बनाती है, नट्स सर्व करती है मुझे, ठीक है? तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स. ओके, कि मेरी अच्छी मम्मी ने क्या बना दिया मेरे लिए, नट्स बना दिए, ठीक है? तो इस तरह से आप याद करोगे. तो वी हैव स्टडीड अबाउट द मर्करी, वीनस, ओके, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपट्यून. ओके, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट इट्स फिक्स्ड पाथ विच वी कॉल इट ऑर्बिट, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट. तो इस तरह से हमने ये पूरा सेलेस्टियल बॉडी पढ़ा था. आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मून, द मून. मून क्या है? दिस इज़ अ नेचुरल सेटेलाइट. मून क्या है? अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट है. अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बताया था कि जो सेटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, ठीक है? अपने जो प्लैनेट्स हैं उनके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसको हम कहते हैं सेटेलाइट्स. कुछ सेटेलाइट्स ऐसी होती हैं जो ह्यूमन मेड भी होती हैं, जिसे हम अपनी नॉलेज के लिए और हम अपनी थिंग्स को मोर डेवलप करने के लिए भेजते हैं. वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे एक्सप्लेन करूँगी. पहले हम मून के बारे में ही पढ़ते हैं. तो जो बेटा मून है, मून भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है. इसका जो डायामीटर है मून का, यानी कि जो मून सैटेलाइट है वो कितनी बड़ी है, वो 1/4 ऑफ द अर्थ है. 1/4 ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हो गया कि पूरी अर्थ ये है 100 meters सपोज करो, तो 1/4 इसका 1/4 part 25 meters जो है इसका डायामीटर है, इतनी बड़ी है ये. यानी हमारी पूरी जो अर्थ है उसका चौथा हिस्सा है ये, ठीक है? जैसे आपके पास एक रोटी है और एक रोटी का 1/4 part आप अपने ब्रदर को या अपने सिस्टर को दे दो, तो ये इतना जो है हमारी मून सैटेलाइट है. अब हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है मून? हमें देखो, सन, हमने कहा था कि सन सबसे बड़ा होता है, ठीक है? इट इज़ राइट कि सन सबसे बड़ा होता है, लेकिन हमें मून हमारी अर्थ से बड़ा क्यों दिखाई देता है? उसके पीछे एक ही रीज़न है जो मैंने पहले भी बताया था कि जो अर्थ से कम दूरी पर है, जो डिस्टेंस जिनका कम है प्लैनेट का, वो हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं वो हमें नज़र नहीं आते. उन्हें हमें देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है. ओके, इन द सेम वे द डिस्टेंस ऑफ द मून इज़ लेस. ओके, ये कम है, यानी कि इट इज़ नियरर टू अर्थ. ये क्या है? अर्थ के नज़दीक है कंपेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडी. अदर सेलेस्टियल बॉडी के कंपैरिजन में जो मून है वो अर्थ के क्या है? नज़दीक है, इसीलिए हम उसे नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है? अब कितनी दूरी है, कितना दूर है अर्थ से मून? इट इज़ 384,400 kilometers अवे. ये हमसे इतनी दूरी पर है, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, जो मून है वो अर्थ के जब चारों तरफ चक्कर लगाता है तो अप्रॉक्स ये 27 days लेता है. मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि जो अर्थ है जब सन अपने ऑर्बिट में राउंड लेती है, जब वो ऑर्बिट पर घूमती है, जो उसका फिक्स्ड पाथ है सन के चारों ओर, जब वो राउंड लेती है, जब वो अपने ऑर्बिट पर घूमती है, तो वो कितने दिनों में पूरा करती है? 365 days में. और जब वो अपने ही एक्सेस पे घूमती है तो वो लेती है 1 day 24 hours, ठीक है? इसी तरह से जब मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो अपना एक राउंड पूरा करता है अप्रोक्स 27 days में. अब ये 27 days कौन से आ गए? याद करो जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने आपको फेजेस बताए थे मून के, कि किस किस तरह से फुल मून होता है, किस तरह से आपका
जो है हाफ मून होता है और कैसे आपका न्यू मून होता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे और इसके से डिफरेंट फेजेस बताए थे, आफ्टर 15 डेज़ के गैप पे भी बताए थे मैंने आपको, पूर्णिमा और अमावस्या कब होती है वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप अपनी नोटबुक में चेक करिएगा, सारा आपने नोट डाउन किया होगा, अदरवाइज़ आप एक बार फिर से पिछली वीडियो चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से 27 डेज़ ये पूरा करता है। अब जो स्पिनिंग टाइम है अर्थ का और मून का, वो दोनों का क्या है, सेम है, जो एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें सिर्फ मून का एक साइड ही विजिबल होती है। अब वो कैसे करके दिखाऊं मैं तुम्हें, कैसे पता चलेगा मैम क्या कह रही हैं। ओके, लेट्स डू वन एक्टिविटी। मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप भी खड़े हो जाइए, ठीक है। हम दोनों आमने सामने खड़े हो गए, आप अपना लेफ्ट घूमिए, मैं अपना लेफ्ट घूमती हूँ। जब हम दोनों अपना अपना लेफ्ट घूमेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम जब राउंड पूरा हो जाएगा हमारा, तो हम एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, तो हमें एक दूसरे का क्या नज़र आएगा, फेस नज़र आएगा। तो ठीक है, आप भी वही चेहरा लेकर सामने आओगे और मैं भी वही चेहरा लेकर के सामने आऊँगी, ठीक है। इसी तरह से अर्थ भी और इसी तरह से मून भी क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो हमें सिर्फ मून का वन फेस ही नज़र आता है, एक फेस ही नज़र आता है। अच्छा हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं बताऊँ आपको यहाँ पे। आप कई बार कहते हो कि पुराने लोग कहते हैं चांद पे दाग है, ठीक है, यानी कि चांद पे जो ब्लैक ब्लैक आपको मून पे जो ब्लैक ब्लैक नज़र आता है, कई बार गौर करके देखना, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है बेटा, जैसे हमारे यहाँ अर्थ पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वैसे ही वहाँ पर चांद पर भी माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, जिनकी शेडो हमें नज़र आती है, जिनकी शेडो हमें नज़र आती है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम चांद पर जाया जा सकता है, चांद पर लाइफ पॉसिबल है। नहीं, चांद पर जाना एक अलग चीज़ है, वो तो स्पेस से यहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं। सबसे पहले जो चांद पर गए थे वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ओके, और वो क्या डेट थी, रिमेंबर मी वन मिनट, यस, दिस वॉज आई थिंक 21 जुलाई 1969। ओके, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा द डेट इज़ करेक्ट और नॉट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। चांद पर सारी चीज़ें हैं, माउंटेन भी है, प्लेट्यूज भी हैं, ठीक है, एंड डिप्रेशंस ऑल्सो, ठीक है। अब डिप्रेशंस क्या होता है, कर्व्ड टाइप वैली, जैसे जो गहरे गहरे खड्डे होते हैं वो भी हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है, वाटर एंड एयर नहीं है, वहाँ पर पानी और हवा नहीं है। बिना पानी हवा के तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर बिना पानी हवा के आप लोग लाइव कर सकते हो अपनी लाइफ को, देन यू कैन गो ऑन द मून, ठीक है। प्लॉट बुक करवा लेना, मेरा भी करवा देना एक, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मून, ये था सारा मून के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, मैं इसी में आपको बताऊंगी कि ह्यूमन मेड, हमने पढ़ा ना कि ये नेचुरल सैटेलाइट है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती हैं। ह्यूमन लॉन्चेस डिफरेंट सैटेलाइट इनटू आउटर स्पेस ऑफ वेरियस पर्पसेस सच एज वेदर फोरकास्टिंग। आप घर पे ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है और आप अपने घर पे टीवी पे देख रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, आज बरसात होनी है, मैं गूगल से पूछता हूँ आज बरसात कैसे होगी, मतलब आज कैसा मौसम रहेगा, ठीक है। ओके, आज तो सनी डे रहेगा पूरे दिन, आज तो क्लाउडी डे रहेगा पूरे दिन, आज तो आज बारिश होने वाली है। हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमने क्या भेजे हुए हैं, हमने ऊपर स्पेस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स वहाँ अरेंज की हुई है, जिसके कारण से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सारी नॉलेज हमें गेन हो जाती है। अब अच्छा, आपने कई बार सैटेलाइट्स कैसी होती है, एक बटरफ्लाई की तरह होती है, ठीक है। ये इस तरह से सैटेलाइट्स होती हैं और ये क्या करती हैं, अर्थ के चारों तरफ बटरफ्लाई की तरह मूव ऑन करती हैं, बटरफ्लाई की तरह क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि मैडम बटरफ्लाई की तरह ये हमने, ये तो हमने धरती से भेजी हैं, हमने अपनी अर्थ से भेजी हैं, तो ये क्यों नहीं गिरती नीचे, इनको भी गिर जाना चाहिए नीचे, ये कैसे होता है। ये ऐसे होता है बेटा, जब हम ह्यूमन जब किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो वो एक किसके थ्रू भेजता है,
एक रॉकेट के थ्रू भेजता है, रॉकेट में फिक्स कर देता है, ठीक है। और ये रॉकेट से ऊपर की तो और जाती है, तो ये जो ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट पर ये रॉकेट से जो हमारे साइंटिस्ट हैं उसको यहाँ पर लॉक कर देते हैं उस ऑर्बिट पर, ठीक है। जब वो ऑर्बिट पर लॉक हो जाती है तो ये तो डिफ्यूज़ हो जाता है और ये जो है उसके ऊपर फिट हो जाती है। जब फिट हो जाती है तो ये क्या करती है, जो अर्थ है मैंने बताया था इसमें फोर्स रहती है, तो जैसे अदर प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं वैसे ही हमारी सैटेलाइट भी रिवॉल्व करती है, हमारी सैटेलाइट भी राउंड लेती है, सैटेलाइट भी क्या करती है, घूमती है, चक्कर खाती है, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है सैटेलाइट हम लोग ऊपर आकाश में भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं और वो हमारे लिए वर्क करती है। अभी जो हमने मंगलयान भेजा था मार्स, हाँ अभी हमने जो मार्स पर भेजा था वो क्या था, वो भी यही सेम चीज़ थी, हमें वहाँ की जानकारी चाहिए हुई थी और इसके लिए हमारी जो इसरो है उसने क्या किया था, मार्स पर लॉन्च किया था, मंगलयान भेजा था, ठीक है। मूवी देखना मंगलयान मूवी, उसमें भी क्लियर दिया हुआ है तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अब हम, मैंने अभी आपको बता दिया कि हम कैसे जो है इसके ऊपर भेजते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन है ह्यूमन मेड सैटेलाइट की, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। सन के पास जो ऑर्बिट है उसमें इसको क्या करना पड़ता है, साइंटिस्ट को एक बार फिट करना पड़ता है और फिर उसके बाद हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं जैसे आपका इनसेट है, इस IRS है, एड्यूसेट है, एक नाविक है जो नेविगेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, मार्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द मून एंड द नेचुरल सैटेलाइट एंड द ह्यूमन मेड सैटेलाइट। कई बार ये डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन मेड सैटेलाइट एंड द नेचुरल सैटेलाइट, ओके। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉयड्स क्या होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट ही उसमें बताया था कि जब अर्थ जो है वो सन के चारों ओर जब चक्कर लगाती है, ये सन है आपका, ये जब चक्कर लगाती है तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये जो बेल्ट है ये बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं, इस पर बड़ी बड़ी चट्टानें, इतनी बड़ी चट्टानें हैं कि आप 100 किलोमीटर दूरी तय कर लो, डिस्टेंस कवर कर लो, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। एक चट्टान का मैं क्या बता रही हूँ लॉन्ग कितनी है वो बता रही हूँ मैं, तो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ठीक है। अगर ये चट्टानें नीचे आ जाती हैं ना, धरती पे गिर जाती हैं ड्यू टू फ्रिक्शन और समथिंग एल्स, तो धरती पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा, ओके। तो बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। अब मेट्रॉयड्स, चलो पहले एस्ट्रॉयड्स ही समझ लो नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सेकंड, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। वो मैंने अभी आपको बताया था कि ये किसके बीच में है, एस्ट्रॉयड्स मार्स और जुपिटर के बीच में है। साइंटिस्ट बिलीव दैट द एस्ट्रॉयड्स आर द पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। बहुत साल पहले जो है क्या हो गया था, ये इसका जो एस्ट्रॉयड्स हैं वो उसका एक पार्ट एक्सप्लॉयड हो गया था, टूट गया था, तो बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, ठीक है। ये ऐसा साइंटिस्ट का मानना है 1000 years ago, यानी कि बहुत साल पहले, अभी नहीं बहुत सालों पहले ऐसा हुआ था, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेट्रॉयड्स, मेट्रॉयड्स भी एस्ट्रॉयड्स की तरह ही है, लेकिन इनमें क्या है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पीसीज हैं रॉक्स के, जैसे हम कहते हैं ना पेबल्स, दीज टाइप ऑफ जो है मेट्रॉयड्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो भी सन के चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं, और ये जो मेट्रॉयड्स हैं वो कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट, अर्थ के नज़दीक आते हैं और अर्थ पर गिर भी जाते हैं। क्यों गिरते हैं, अब यहाँ पर वो काम करेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन देखो एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, तुम या साइंस में पढ़ोगे फ्रिक्शन को, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताती हूँ आपको कि हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं और एयर चल रही है, तो एयर क्या करती है, हमें पीछे की ओर धकेलती है। हम पैराशूट से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, हमारे कपड़े हवा में उड़ते हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं हमें हवा क्या करती है, पुश करती है, तो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं,
ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब आसमान में जो ये छोटा सा जो पत्थर होता है वो क्या करता है, ड्यू टू फ्रिक्शन एयर से जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एयर के जब कांटेक्ट में आता है तो वो हीटअप हो जाता है और बर्न हो जाता है, और वो धरती पर हमें गिरता हुआ नज़र आता है, जिसे हम नाम देते हैं शूटिंग स्टार का। तो वो कोई तारा टूट के नहीं गिरता है, वो आपके मेट्रॉइड्स होते हैं जो टूट के धरती पर गिरते हैं। इसलिए कोई भी कहेगा ना कि तारा टूट रहा है, विश मांग लो, बोलो नहीं तारा नहीं टूट रहा है भैया, ये समझो इस बात को, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, ये एक मेट्रॉइड्स है जो कि फ्रिक्शन के साथ एयर से हीटअप होकर के जल गया है, और वो जल के नीचे गिर गया है, और इसे हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार, जिसे हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। और ये छोटे छोटे गड्ढे बना देता है जब ये जलता है और नीचे धरती पर गिरता है, तो छोटे छोटे जो है क्या बना देता है, गड्ढे बना देता है, ठीक है। ये डिफरेंस है एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स के बीच में। जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दिस इज गैलेक्सी। अरे भैया पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब तक नहीं बताया मैडम गैलेक्सी क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में बोला था गैलेक्सी बताऊंगी, लास्ट में आकर के गैलेक्सी बता रहे हो, क्योंकि पूरा चैप्टर इस गैलेक्सी के ऊपर बेस था, ठीक है। इस गैलेक्सी के अंदर सब कुछ है, सब कुछ इस गैलेक्सी के अंदर ही है, गैलेक्सी के अंदर ही सारा क्या है, यूनिवर्स है। सारा यूनिवर्स किसके अंदर है, गैलेक्सी के अंदर है। गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, पूरे सारे स्टार्स हैं, डस्ट के बादल हैं, गैस हैं। दे कंसिस्ट वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज में क्या थे, सन था, मून था, ठीक है, एट प्लैनेट्स थे, मेट्रोइड्स थे, एस्ट्रॉइड्स थे, ये सब किस में है, आपके गैलेक्सी में है। तो कंक्लूजन तो लास्ट में बताऊंगी ना कि सब में क्या था, ठीक है, कि पनीर की सब्जी बनाई तो खाने के बाद ही बताऊंगी ना, जब आप पूछोगे कि मैडम टेस्ट कैसा लगा, कैसे बनाई, तो गैलेक्सी में भी आपने इतनी सारी चीज़ें कैसे इन्वॉल्व की, गैलेक्सी क्या होता है, तो वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। आवर प्लानट इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे, इसे आकाश गंगा कहते थे पुराने टाइम में। आकाश गंगा क्यों कहते थे भाई इसे, आकाश गंगा मिल्की वे, क्योंकि पुराने टाइम में जो भारत में ये इमेजिन किया जाता था कि लाइट जो फ्लोट होती है स्काई से, वो जो नदी लाइट की बहती है आसमान में, उसे क्या कहते हैं हम, आकाश गंगा। सॉरी एक चीज़ मैं आपकी को बताना भूल गई, वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। जो लाइट पृथ्वी पर आती है ना, सन की जो सन लाइट आती है अर्थ पर, वो जो आती है वो एक सेकंड में जो टाइम ड्यूरेशन उसका होता है, वो होता है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर कवर करती है लाइट, इतनी तेज़ी से आती है। और अर्थ पे पहुँचते पहुँचते उसे कितना मिनट लगती है, 8 मिनट, 8 मिनट लगता है उसे, ठीक है। एक सेकंड कितना हो गया, आपने उंगली अपनी उठाई, एक सेकंड हो गया, एक स्टेप आप अपने उठाते हो, और सन की लाइट हमारे कहाँ कितने के उस पे जाती है, 300,000 किलोमीटर सन जो है कवर कर लेता है हमारे अर्थ पे जो लाइट आती है उसको, ठीक है। तो इस तरह से जो ये लाइट आती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। मिलियन ऑफ गैलेक्सीज मेड अप ऑफ अ यूनिवर्स, ठीक है। तो ए गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। अब ये गैलेक्सी भी एक नहीं है, ये बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं हम, यूनिवर्स। देखो अब यहाँ पर आप हो, ये अर्थ है, यहाँ पर आप हो, अर्थ किसके अंदर आती है, सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम किसके अंदर आता है, मिल्की वे में, मिल्की वे किस में आती है, यूनिवर्स में। इस तरह से सब कुछ किस में है, उसमें गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, ठीक है। यूनिवर्स भी किस में, आपका गैलेक्सी में, ठीक है, ये जो एक यूनिवर्स बनाते हैं, समझ गए। एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्टा, ये याद रखना, हु वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया, तो आप उसका क्या नाम याद करोगे, आर्यभट्टा, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो नोट्स मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं, वो सभी नोट्स आप अपने नोटबुक में लिखना, साथ के साथ जो मैं वर्ड्स टू नो दे रही हूँ वो भी नोट डाउन करना, ठीक है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर आप खुद करेंगे, फिर मैं आपको आंसर की भेज दूँगी, फॉरवर्ड कर दूँगी,
तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है. दिस इज़ ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम. ठीक है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका, वो नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, उसमें भी हम उसमें भी ये चैप्टर जो है आपका काम करेगा. इसलिए आप पूरा इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे. जो आपका सेकंड चैप्टर इसमें आएगा वो आएगा ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक ग्लोब में लैटिट्यूड कैसे देखोगे आप और लॉन्गिट्यूड कैसे देखोगे. लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आपने फिफ्थ क्लास में भी पढ़ा होगा, एक बेसिक नॉलेज आपको होगी उसकी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरह से काम करता है. ठीक है, तो हम इसको पूरा उसमें पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे हम इसे. ठीक है, सो टिल देन बाय. ओके.